नमस्कार साथियों, अन्वेषक नियमितीकरण को लेकर एक खास खबर, एक बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आ रही है। अन्वेषकों ने दिया सांसद जी को ज्ञापन नियमितीकरण के लिए। क्या पूरा मामला विस्तार पूर्वक हम बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, जैसे ही चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, अन्वेषक लगातार अपना प्रयास, अपनी कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी रख रहे हैं साथियों, और सरकार भी इनके लिए कुछ ना कुछ फैसला लेने का प्रयास कर रही है, ऐसे समाचार गुप्त सूत्रों के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अन्वेषक लगातार अपनी एक ही मांग, नियमितीकरण, सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण, क्योंकि सभी समस्याओं का हल अगर हो सकता है अन्वेषकों का, तो वो सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण से हो पाएगा, ये अटल सत्य होगा। साथियों, पूर्व माध्यमिक अन्वेषक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा जिला इकाई पीलीभीत के माध्यम से ये ज्ञापन दिया गया है माननीय सांसद जी के लिए। मैं आपको इस ज्ञापन के बारे में बताना चाहूँगा पूरी तरीके से। जैसा कि आप जानते हो, पूर्व माध्यमिक अन्वेषक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, इसके प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री राकेश पटेल जी हैं और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पाल गंगवार जी ने इसको माननीय सांसद जी को दिया है ये ज्ञापन। और उन्होंने लिखा है कि सेवा में माननीय सांसद जी 26 लोकसभा पीलीभीत, विषय है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को नियमित करने के संबंध में। साथियों, यहाँ पर इन्होंने ये ज्ञापन दिया है और लिखा है विनम्रतापूर्वक अपनी समस्याओं को बताया कि महोदय, सादर अवगत कराता हूँ कि विगत 9 वर्षों से उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो कि बेसिक शिक्षा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें अन्वेषक हमारे 9 वर्षों से लगातार अनवरत कार्यरत हैं और उनको अल्प मानदेय के तौर पर 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो कि आज की महंगाई भरी इस ज़िंदगी में बहुत ही कम है, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। साथियों, तो इन्होंने ये समस्या लिखी है कि माननीय सांसद जी, हम लगातार 9 वर्ष हो गए आज, पहले भी हम 7,000 से शुरुआत हुई थी, पहले भी 7,000 मिल रहे थे और आज के दिन भी हमको सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये मिल रहे हैं, हमको विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। अतः आपसे ये विनम्र निवेदन है कि हमको हमारे ही पद पर नियमित कर अपनी कृपा बरसाएं। तो यहाँ पर बात यह है कि अन्वेषकों का भला सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण से ही हल होगा और इसी से ही सबकी भलाई होगी। पूरा ज्ञापन आगे है, मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगा साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि लगातार शिव कुमार मिश्रा जी SEN न्यूज़ के माध्यम से शाम 8 बजे से 9:30-10:30 तक डिबेट चला रहे हैं लगातार, और लगातार वो अपनी समस्याओं को, यानी अपनी क्या, अनुदेशकों की समस्याओं को मुख्य तौर से वहाँ दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही सभी बेरोज़गार, चाहे वो बीएड धारक हों, बीएड धारक हों, विशिष्ट BTC, सभी के समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार तक डंके की चोट पर आवाज़ भी पहुंचा रहे हैं कि अन्वेषक, शिक्षक और जितने भी हमारे संविदा कर्मी भाई बहन हैं, वो किस तरीके से परेशान हैं, अपने जीवन को लेके, अपने भविष्य को लेकर किस प्रकार से चिंतित हैं। मैं अब ज्ञापन की कुछ झलकियां आपको बताना चाहूँगा। महोदय, सादर अवगत कराता हूँ कि विगत 9 वर्षों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 30,000 अनुदेशक अति अल्प मानने के कारण विषय परिस्थितियों जैसे कि आर्थिक व मानसिक संकट का, शारीरिक एवं सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे हैं और इसके बीच भी अपने विद्यालय में अध्ययनरत हैं।
मासूम नौनिहालों के भविष्य को उज्ज्वल कर रहे हैं, उनके भविष्य को तैयार कर रहे हैं और वर्तमान में अंशकालिक अन्वेषकों को सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जा रहा है। अनुदेशक विगत 9 वर्षों से ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा पूर्वक अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि अनुदेशकों को अनुदेशकों के पद पर ही नियुक्त कराने की कृपा करें। भव दिए सुरेंद्र पाल गंगवार जी, ये भाई हैं पीलीभीत से और जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने ज्ञापन माननीय सांसद जी को दिया है। उम्मीद करते हैं सरकार तक ज़रूर पहुंचेगा और हमारी मांगों को पूरा करने की कोशिश भी करेगी सरकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआएं कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आप जल्दी नियमित हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।